वंदे गुरुपद्द्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वांछाकल्पतरुवश्य कृपासिन्धु वेवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं बृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्वच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाख जगोद्वरुण्य धैयम् सदा परिभवग्नम अविष्टदोहम् तेथास्पदम् शिव विरंचनुतम् शरण्यम् भीतातिहम् पनतपाल भवाद्दीपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाया विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातौ संकेतनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषी तो वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजबीशनाथम वागीशजस्य बदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संबीद त्वं निशिंगमहं भजे हरे कृष्ण
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Kipaya Hari Kirtana Moti Dharam Dharani Varaharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigda Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ये जगत में आए जब हरि कीर्तन हरि कथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती का रूप पकड़ कर ये जगत में अवतीर्ण हुए साधारण आदमी समझ नहीं पाए जब हरि कीर्तन हरि कथा अप्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्मो चैतन्य वाणी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अपूर्व रूप पकड़कर हमारा सामने आए हम इतना बुर्वक है इतना बुद्धू है इतना मूर्ख है हम समझ नहीं पाए ये साक्षात गोलोक से आए हैं और पल पल में उसका दोष दर्शन किए और इनके ये अप्राकृत वाणी वैभव उसका कोई अनुभव दिल में आया नहीं नहीं तो जिस खानदान में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जैसा महापुरुष राधा रानी जी का अपना सहेली नयन मणि मंजरी आए हैं उद्धार करने के लिए कमल मणि मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर इस खानदान में किसी भी समस्या होनी नहीं चाहिए सबसे बड़ा बात है हरि कीर्तन हरि कथा ये शब्द ब्रह्म है जो चर्चा आगे बढ़ाते हुए हमको जाना है I have my responsibilities to speak all in details about what I wanted to speak morning time. Maybe it will take long time, tomorrow, may after tomorrow. Baat ye hai, anantaparam kila sabda sastram. Sabda sastra, sabda brahma jo hai, anant hai. Anantaparam kila sabda sastram. शब्द शास्त्र जो है इसका किनारा नहीं है शब्द शास्त्रों का कोई किनारा नहीं है इतना वास्ट इन्फिनिटी लेकिन हमारा सौभाग्य ये है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ आदि यहाँ तक कि सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद जी सारे ये अनंत शब्द शास्त्रों का मंथन किया मंथन करके हमारा सामने क्रीम रख दिया मक्खन ये जो शब्द शास्त्र है उसका मंथन करके हम लोगों का सामने क्रीम रख दिया That's why you can find, देखोगे, जब सर्वगस्तमी स्टकम पाठ करते हो, ध्यान नहीं दिया, उसमें साफा सूत्र ये चीज लिखा हुआ है, नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकरिणौ तिभुवने मान्यौ शरण्या करो ये लिखा हुआ है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया आपने ध्यान नहीं दिया इसमें क्या चीज है गुरु वैष्णव का स्वरूप
साधारण आदमी का सामने प्रकाशित नहीं होता। आपका गुरु जी का मुखारविंद से अक्सर सुने होंगे बात, या तो भूल गए। हमारा तो एक एक शब्द ब्रह्म याद है, गुरु जी से गुरुवर्गों से क्या क्या सुना है सारे, इट्स ऑल रिकॉर्डेड इन टू माई हार्ट। यहाँ तक कि हमारा गुरु जी का जिंदगी में एक भी शब्द, गुरु जी का जिंदगी में अपराकृत जिंदगी में एक भी शब्द मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किए, मैसिंग लगा के रिकॉर्डिंग नहीं किए। आज जो रिकॉर्डिंग करने का कोशिश किए, गुरु जी फटकार देते, यहाँ रिकॉर्डिंग कर उल्लू कहीं का, क्या करोगे। सुबह में बताया शब्द ब्रह्मों का अनुशीलन के अलावा कोई चारा नहीं, रास्ता नहीं, नो अदर वे। और इतना अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, फिर भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम किस खानदान में आए, गौड़ीय मठ में। एक गौड़ीय मठ नाम उच्चारण करते ही मेरा छाती इतना हो जाता, इतना आनंद होता है, लेकिन फिर भी दुखी हो जाता हूं, क्योंकि समझने वाला आदमी आजकल का दुनिया में है नहीं। दे आर नॉट एक्चुअली डेडिकेटेड। आई एम इन व्यासासन, व्यासासन को अप्रवित करने के लिए मैं बैठा नहीं किसी भी जगह। व्यासासन को अपवित्र करना मेरा काम नहीं है। खुल्लाम खुल्ला जो बात गुरुवर्ग से आया है उसी को सामने पेश करना है। आई एम पेशकार, आई एम जस्ट लाइक ए पोस्टमैन। अपराकृत जगत से जो वाणी वैभव हमारा सामने आया है, वो चिट्ठी आपका हाथ में डिलीवर करना, इट्स माय ड्यूटी। उसमें अगर आप गुस्सा हो जाओ, महाराज क्रिटिसिज्म समालोचना करता है, महाराज ये करता, हमारा कोई आता जाता नहीं, क्योंकि हमारा दिल में एक भी इच्छा नहीं कि पैसा के लिए कथा बोलो कि माला चढ़ाओ मेरा, ऐसा कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है तो सुनो, नहीं तो जाओ। अपराकृत जगत का ये जो शब्द ब्रह्म है, इसका सहारा लेने का मतलब यू विल हैव टू टेक शेल्टर ऑन टू द लोटस फीट ऑफ ए प्योर गुरु वैष्णव, बी केयरफुल। हमने जो सुबह में बताया था, अब ध्यान नहीं दिया, एक एक शब्दों को एक्सपेंशन करते चलूं तो पागल बन जाओ। एक वेदांत से उपनिषद यहाँ हो, कोई सुनने वाला कोई है नहीं, खाने वाला बहुत है। हमारा पास भंडारा ये है, हम लाड्डू पेड़ा का भंडारा कभी नहीं करते। हमारा पास ये भंडारा है, उसमें बहुत सारे आदमी आते हैं, फॉरेनर ये सब, जो इसका तकदीर खराब है जाओ मरो, कुछ आता जाता नहीं। हमारा ये भंडारा है शब्द ब्रह्मों का। श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने ये आम आदमी को भरपूर कीपा देने के लिए एक दिन एक तो मजा किया था। नवद्वीप में जाके हर आश्रम में इधर उधर ऐलान कर दिया, घोषित कर दिया, काल बड़ा 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 भंडारा है, जोगपीठ वो जो स्थापित हो रहा है मायापुर में, बड़ा भंडारा, अब जाओगे सब आदमी एकदम हजारों हजारों आदमी आना शुरू कर दिया। आके देखा, अरे वहां सारे साधु मंच में बैठा हुआ है, एक एक पर एक हरि कथा का कमान चल रहा है, गोला चल रहा है, और भोजन का कोई बात ही नहीं है। वो लोग सोचता है क्या रोसी भूसी काम है, हो सकता है दूसरा जगह। जब हरि कथा समाप्त हुआ, गौरकिशोर बाबा जी महाराज बतासा जानते हो ना मीठा, वो लेके हाथ में दिया और पानी दिया, बोले देखा ना कितना बड़ा भंडारा। बोले भंडारा कहाँ है, बोले यही तो भंडारा, हरि कथा का भंडारा। आप तो लड्डू पेरा का भंडारा में अभ्यास तो हो, यू आर हैबिचुएटेड, बट इज अ न्यू काइंड ऑफ भंडारा, स्पेशल भंडारा। साधु का सामने आओ तो ये भंडारा का एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, नहीं तो मरोगे। सुबह में जो बताया था, जो अपराकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना अपराकृत जगत का कोई ठिकाना आपको मिलने वाला नहीं है, ठिकाना भी मिलेगा नहीं, इतना तक कह देते हैं। अब प्रश्न है,
अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म का सहारा लेना, व्हाट डू मीन? महाराज ये तो कोई नया बात नहीं है, सुना नहीं कभी संतो महात्मा का जवान पे? अरे ये तो तुलसीदास जी तक सब आदमी चिल्ला चिल्ला कर बोला, आपने सुना नहीं? सुना नहीं कभी? बिनु सत्संग तरई न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुना नहीं? बिनु सत्संग तरई न कोई, बिनु गुरु भवन निधि तरई न कोई, तो पहले से बोला हुआ है। शब्दों ब्रह्मों का सहारा लिए बिना, इसका मतलब है हर हालत में 100% यू विल हैव टू टेक शेल्टर ऑन टू द लोटस फीट ऑफ ए प्योर वैष्णव। दिस आई मीन, यही माने हैं। क्यों? आप तो बोला अपराकी जगत का शब्द ब्रह्म का सहारा लो। यस, अपराकी जगत का सहारा ले लो, अपराकी जगत का जो शब्द ब्रह्म इसका इनके सहारा ले लो का मतलब है साउंड क्या ऊपर से टपकेगा क्या वर्षा का मैं भी? यस, लेकिन हरिगुरु वैष्णव का जवान से थोड़ा ऊपर, हरिगुरु वैष्णव का मुखारविंद टांग। अब निसिंहदेव का स्टॉप नहीं करते हो, वागी सजस्व बदने लक्ष्मीर जस च बक्षसी, पढ़ते नहीं हो? हर वक्त करते हो, ध्यान नहीं देते हो। बाघ ईशा जस बदने लक्ष्मीर जस च बक्षसी, जिसका जवान पे नृसिंहदेव का सरस्वती बैठी हुई है और इधर कौन? लक्ष्मी जी। और हर गुरु वैष्णव जो पक्का गुरु वैष्णव, धोखेबाज का बात हम नहीं बोल रहा है, आई एम ऑलवेज थिंकिंग एंड स्पीकिंग अबाउट स्टैंडर्ड थिंग, यू कैन थिंक एनीथिंग व्हाट यू लाइक, आई डोंट केयर। हम अपराकृत गुरु वैष्णव के बारे में बोल रहा हूं, जो अपराकृत गुरु वैष्णव का जवान पे सरस्वती बैठे रहते हैं, अपराकृत जगत का सरस्वती, दे हैव 100% कनेक्शन विद द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। अपराकृत शब्द ब्रह्म उन लोगों का जवान पर उतार के आती है और वो बोलते हैं। नॉट लाइक दैट आई कैन रिसाइट सम श्लोका, आई कैन रिसाइट दिस एंड दैट, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू टू गेट क्लैपिंग, नॉट दैट, बी केयरफुल। गुरु वैष्णव का साथ अपराकृत जगत का कनेक्शन है, अब इसका क्वालिटी हम बताएंगे। तो सुबह में जो बताया था, अपराकृत शब्द ब्रह्म का सहारा लिए बिना अपराकृत जगत का कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला, जितना भी तिलक करो और हरे कृष्ण हरे राम बोलो कुछ नहीं होगा। क्यों? हम दुखी नहीं करने वाला, जो हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हो अपराकृत हरे कृष्ण हरे राम नहीं हो रहा है। ये सब अगला दिनों में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे व्हाट महाप्रभु वांटेड टू स्पीक। एक कृष्ण नाम जीव का जवान फिर उतारता है उसको वैष्णव बोल के जानो, व्हाट डू मीन बाय दैट, इसका मतलब क्या है, हम व्याख्या करेंगे, तो दुखी नहीं बनोगे। आप सोचोगे इट्स वन काइंड ऑफ मेडिसिन महाराज गिवन, यू मस्ट डाइजेस्ट एंड ट्राई टू रेक्टिफाई योर सेल्फ, दैट मच आई कैन से। अपराकृत जगत का शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना मतलब है गुरु वैष्णव चरण में शरणागति के बिना 100% लाइक मैथमेटिक्स, If A is equal to B, if B is equal to C, if C is equal to D, then logically A is equal to D. Simple mathematics, not very simple. If A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D, then of course A is equal to D. यही हम mathematics है। तो अपराकृत जगत का शब्द ब्रह्म का सहारा लिए बिना मतलब जो संत महात्मा का साथ अपराकृत जगत का तालुकात है, संबंध है, इनके चरणों में जरूर लगन लगाना। अगर भगवत प्राप्ति चाहिए तो कान खोलकर सुन लो, भगवत प्राप्ति चाहिए कि नहीं, भागवत स्पर्श करो। सालग्राम श्रील तीर्थ कुशी महाराजा चिल्लाते थे,
किसका हिम्मत है, सामने आओ, सालगाम स्पर्श करो, बोलो भगवान चाहिए। महाराज जी ऐसा छाती ठोक के बोलते थे, किसका हिम्मत है, सालगाम स्पर्श करो, भागवत स्पर्श करो, बोलो भगवान चाहिए। भगवान चाहिए नहीं, आई नो इट वेरी वेल, इसलिए हम हर जगह जाता नहीं, बहुत लिमिटेड। आज भी बांग्लादेश, थोड़ा देर पहले बांग्लादेश से चिट्ठी आया है, हम किसी विदेश विदेश जाता नहीं, तेरा इच्छा है तो आ जा, हम नहीं जाने वाला। महाराज जी बोलते थे किसी के हिम्मत नहीं, छाती में हाथ रख के बोले भगवान चाहिए, किसी के हिम्मत नहीं, सब तिलक माला लेते हैं, संन्यास सब। इट इज नॉट क्रिटिसिज्म, आई एम स्पीकिंग ऑल अबाउट देयर एब्सोल्यूट ट्रूथ, मेरा कोई दोष नहीं स्पर्श करे। किसी का हिम्मत नहीं, भगवान से मांगता है, भगवान को चाहता नहीं, भगवान से कुछ मांगता है, हमको दे दो, ये दे दो, वो दे दो। डिवोशन क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, इसका जरा सा भी ध्यान हो जाए, कॉमन सेंस आपका, देन आई एम श्योर यू कैन बिकम ए सिंसियर पर्सनैलिटी। जरा सा भी ध्यान हो जाए भक्ति क्या चीज है, भक्ति प्राप्ति होने से क्या होती है, क्या चीज है, इसका जरा सा ध्यान हो जाए, यू कैन नॉट लीड योर फैनाटिक लाइफ लाइक मैड, होगा नहीं, सिंसियर बन जाओगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अप्राकृत वाणी स्वरूप पकड़ कर आए हैं, और जितना सारे सदगुरु वैष्णव है सबका वाणी स्वरूप है। हजारों हजारों कथा इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, सुनो, कुछ सुना ही नहीं, इवन यू हैव नो एबीसीडी नॉलेज, वेरी सॉरी एम, सुन लो। गुरुजी को देखा है श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, घोड़े से है, छोटा सा नाटा सा है, बहुत बिहेवियर सुंदर, दिस मच यू कैन सी, लेकिन हमारा ऊपर ऐसा आदेश नहीं है। गुरु वैष्णव का वाणी स्वरूप क्या है, उसका जो सूक्ष्म एक वाणी स्वरूप है उसको देखने का कोशिश की है हमने। हमने गुरु जी के ये नहीं देखे कि 99 years का 100 years का एक तो ओल्ड मैन, नॉट दैट, साक्षात हरित्य न समस्त थे, भगवान बैठा हुआ है। जब गुरु जी का कमरे में एक एक बार घुसते थे, गुरु जी बुलाते थे हजारों बार, हर वक्त घुस के लगता है कि ठाकुर जी बैठा हुआ है। ये व्यास आसन में बैठ के बोल रहा हूं, ऐसा एक प्रभाव होता है, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठ के माला कर, ये फीलिंग हमारा अंदर में आया गुरु जी का कृपा से। बहुत बार आपने सुने होंगे कि गुरु वैष्णव सब प्रकाश वस्तु, सेल्फ इफाइजेंस। कोई अगर मूर्ख बोले कि महाराज सूर्यों को देखना चाहता हूं, रात 12 बजे हो, तुम उल्लू का पट्ठा हो, रात 12 बजे हैं, तुम सूरज को देखना चाहते हो, हाउ इज दैट पॉसिबल। सुबह में जब सूरज खुद उदित हो, उदित होने के साथ साथ सूरज को भी देखोगे और तमाम दुनिया प्रकाशित हो जाएगा तुम्हारा सामने। व्हाट इज व्हाट, कौन क्या चीज है, सब प्रकाश वस्तु को कभी भी तर्क इल्जाम लगा के गाली देके कभी अप्रोच नहीं करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बार मैं कुत्ता का मापिक चिल्ला के बोला, लायन का मापिक, पांचकुला में, चंडीगढ़ में, डोंट ट्राई टू कंट्रोल गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव का कभी कंट्रोल करने का कोशिश मत करो, अगर करोगे तो मरोगे, जल के खाक हो जाओगे। ट्राई टू बी कंट्रोल्ड बाय गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव के द्वारा कंट्रोल होने का चेष्टा करो, गुरु वैष्णव को कंट्रोल मत करो, गुरु वैष्णव के द्वारा यू ट्राई टू बी कंट्रोल्ड बाय गुरु वैष्णव, नहीं तो मरोगे। समझा नहीं, इसका मतलब है अनुगत्य, किसने अनुगत्य किया, किसने अनुगत्य नहीं किया, दैट यू कैन रियलाइज एट द टाइम ऑफ योर डेथ। कोई बोल सकता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या अनुगत्य किया गौर किशोर बाबा जी महाराज को, कौन सी सेवा किया, क्या रोटी बनाया था कि कपड़ा धोया था, क्या सेवा किया,
That's why repeatedly I am speaking, logical interpretation cannot stand in the way of that absolute truth. और प्रागी जगत में जाना चाहते हो कभी भी तर्क मत करो, डाउट मत करो, क्योंकि गीता में बोला हुआ है संशय आत्मा विनश्वति। मरने का पहले अगर गुरु वैष्णव भगवान तत्व किसी के बारे में तुम्हारा डाउट है, संशय समाधान नहीं हुआ, तुमको फिर आना पड़ेगा, तुम्हारा समाधान नहीं होगा। बुद्धि लगा के गुरु वैष्णव को समझने का कोशिश मत करो। तुम्हारा हिम्मत है तो गुरु वैष्णव के साथ रहो। तुम्हारा अगर अंदर में कोई डाउट हुआ किसी का बात सुन के, तो वो गुरु वैष्णव के सामने तुम रहो, एक महीना रहो, एक महीने नहीं दो दिन रहो, तो तुम समझोगे तुम्हारा पोजीशन क्या है और वो गुरु वैष्णव का पोजीशन। यू कैन रियलाइज वेरी इजीली। दो दिन रहो, वो क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने तो अपना माल सब रेडी करने के चक्कर में है, और वो वैष्णव अपना जिंदगी में जो कुछ है, जीवन जिंदगी रुपया पैसा जो कुछ भी है, विद्या एजुकेशन ब्रेन ऑल डेडिकेटेड फॉर द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, नॉट ए मैटर ऑफ जोक, इज नॉट पासिंग लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हारे सामने लेक्चर देने के लिए कोई गुरु वैष्णव नहीं आएगा, उसका इच्छा नहीं है लेक्चर देने का। जो अपना जिंदगी में पालन करता है वही बोलता है, किसी का हिम्मत नहीं तो चर्चा करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, महाराज ये है वो है, करने दो, वो मरेगा भी। कितना हजार उदाहरण आपको दे, प्रमाण देंगे, देखो ऐसा ऐसा किया, सब गया पानी में, कुछ बचा नहीं। गुरु वैष्णव का सहारा लेना और दिखा लेने का बहाना करना नॉट सेम। गुरु वैष्णव का चरण में दीक्षा लेने का बहाना और टू टेक शेल्टर एक्चुअली 100%। हमने तो यहां तक भी चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि तुमसे तो एक फ्रीडम फाइटर अच्छा है, तुम तो झूठा कहीं का। ए फ्रीडम फाइटर जब बोला मास्टर द आई कैन गिव लाइफ फॉर माय मदर लैंड, यस डन इट, बट यू आर ए लायर। तुम झूठा कहेगा, तुम झूठा बोला। गुरु वैष्णव के लिए मैं जीवन जिंदगी देने के लिए तैयार हूं, कुछ देने के लिए तैयार नहीं है तुम। वो तो प्राण दिखा कर पान दिया दिखाया, हम अपना मादा मातृभूमि के लिए दे प्राण दे दिया। जब ये मेटेरियल है, 100% मेटेरियल नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें स्पिरिचुअलिटी थोड़ा बहुत टच है, लेकिन हमारा तो अपरागिक जगत का विषय है, तुलना करना उचित भी नहीं है, फिर भी करता हूं कि शर्म हो जाए हमारा, इसलिए करता हूं। देखो वो जो बोला वो तो की करके दिखाया, तुमने तो किया नहीं। जो शिष्य गुरु जी का लिए वैष्णव का लिए प्राण देने के लिए तैयार नहीं है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। व्यासासन में बैठ के बोल रहा हूं, मैं जानता नहीं, आई हैव नो मैन पावर, नो मनी पावर, नथिंग, आई हैव नो अकाउंट इविन, बट एवरी सेवा आई एम डूइंग, ऑल सिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ 60 बुक्स एंड व्हाट अबाउट यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिकेशन इन डिफरेंट मैगजीन, व्हाट टू स्पीक, सारे हो रहा है, कहाँ से, सब ठाकुर जी का भरोसा से। इतना प्रतिवाद लिखने का बाद भी मेरा एक बूंद भी डर नहीं आया अंदर में। भारती महा चिल्ला के बोला, कोई कुछ कर नहीं पकता, वैष्णव लोग आदेश किया प्रकाशित करो, कितना प्रतिवाद, एक आदमी उसमें साइन करने के लिए तैयार नहीं था, हम नाम नहीं बोलेंगे, बड़ा बड़ा महाराज, महाराज ये साइन करो, आई एम जूनियर पर्सन, नो आपका नाम ही रहेगा, हम हमारा नाम मत दो। कितना बार हुमकी दिया, आपको जिंदगी बर्बाद कर देंगे, मर देंगे, आपको दुनिया से हटा देंगे, दो, कुछ नहीं कर पाया। मेरा हिम्मत होनी चाहिए, हमारा माधव गोस्वामी महाराज का अपमान, हमारा गुरुवर्ग का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, इसको बोलता है वैष्णवता। वैष्णवत का मतलब ये नहीं कि महाराज धन्यवाद, ये नहीं, ये कपट। शरणागति का लक्षण है
जे गुरु वैष्णव के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलो बोलिया जानो हो मोरे, ये तो दिखावा कोई ड्राई फिलोसॉफी नहीं है। गुरु वैष्णव के सामने आना, उसका वाणी स्वरूप का अनुभव करना, उसके बाद यू विल हैव टू टेक शेल्टर। और अगर शेल्टर हो भी गया तो उसका कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, क्योंकि समझा नहीं तुम, तुमने समझा नहीं ना। रूप गोस्वामी पद कितना सारी चीज लेकर सुना, तो कोई देखने वाला कौन है ही नहीं। अदौ गुरु पदाश्रयो तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, किसका सब किसका सामने हम बोले, कोई है? अदौ गुरु पदाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। रूप गोस्वामी बोलता जब पहले तुम गुरुचरण आश्रय करो, तुम समझा नहीं, बोला आश्रय तो लिया ना, ऐसा नहीं। जैसे पहले जमाने में हुआ करता था कि एक बेटिया रानी राजा का कन्या स्वयंवर सभा में अपना स्वामी जीवन साथी को चुनती थी, मन में बैठ गया यही मेरा स्वामी है, उसका बाद वरमाला देते। इसलिए हर साधक का जिंदगी में किसी को देखे शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु है, शिक्षा गुरु दीक्षा बहुत सारे गुरु का, ये सब अगले दिनों में शब्द ब्रह्म के बारे में हम बताते चलेंगे, यही टॉपिक्स एक महीना दो महीना हमारा दूसरे दरगे तुम यू कैन क्लोज, कोई आता जाता नहीं मेरा, ठाकुर जी सब दिया सब बोलते चलेंगे। ये जो बात है अप्राग जगत का शब्द ब्रह्मों का सहारा, मतलब गुरु वैष्णव के चरण में आश्रय लेना, गुरु चरण में। और आश्रय लेने का थोड़ा व्याख्या किया कि श्रवण गुरु का मुखारविंद से सुनने का बाद और एक वैष्णव को पक्का वैष्णव के देखने का बाद हृदय में रिएक्शन आया, ये पक्का साधु है। क्योंकि बाजार में बहुत सारे कथा चलता है बट यू कैन नॉट फील रिएक्शन, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म नहीं है। इसका बारे में थोड़ा खुले के बाद, ये शब्द ब्रह्म नहीं है, इट्स वन काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। जब आदमी बोलता है महाराज साधु आया हरिकथा हुआ थोड़ा मजा नहीं हुआ, हम तुम उल्लू का पट्टा हो, व्हाई नॉट यू अप्रोच टू ए टीवी स्टार व्हाई फिल्म स्टार, व्हाई यू कम टू मी, तुम क्यों हमारा सामने आए हो? टीवी स्टार का पास जाओ, फिल्म स्टार का पास जाओ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एंजॉयमेंट फ्रॉम मी, आई कैन स्लैप यू, दैट मच यू कैन एक्सपेक्ट। ये मेडिसिन है, ऐसा नहीं कर सकते हो कि महाराज को ना मजा देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोला है वेश्या को मंत्र दे रहा है, वेश्या, प्रभुपाद जी बोल रहा है वेश्या को मंत्र दे रहा है, शिष्यों का गुलामी कर रहा है, ये गुरुगिरी नहीं है। जिसका पास शब्द ब्रह्म का पावर है वो दुनिया किसी को परवाह नहीं करते, वो जानते हैं ठाकुर जी मेरा पीछे है, तोड़ फोड़ कर देंगे कुछ हो जाए तो। वास्तविक बात ये है किसी गुरु वैष्णव का सामने आ जाना, एक पक्का गुरु वैष्णव का सामने आने का मतलब क्या है? टू फेस दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ, समझा मेरा बात? किसी गुरु वैष्णव के सामने, पक्का गुरु वैष्णव के सामने जो अप्राकृत जगत से आए हैं, उसका आमना सामना करने का मतलब है यू आर फेसिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बी केयरफुल, तुम्हारा सावधान होना चाहिए। क्यों? उसका स्वरूप है सच्चा, उसका वाणी सच्चा है, उसका सामने आने का पहले तुम्हारा हिम्मत आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तुम फेस कर रहे हो गुरु वैष्णव के सामने, मतलब तुम परम सत्य वस्तु का सामने आ गया। अब झूठापन कुछ रहे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बहुत मुश्किल, बिल्कुल नहीं चल सकता। गुरु वैष्णव के चरण में आश्रय लेना, वास्तविक दीक्षा ग्रहण करना, और सो कॉल्ड दीक्षा ऐसे लिया है महाराज, हमने थोड़ा देर पहले ही बोला, जब आपका दिल में
धक्का लगे, ये जो कथा चल रही तो बाजार का कथा नहीं, ये तो लगता है कि मेरे को तोड़ फोड़, मेरा अंदर में जितना सारे डुप्लीसिटी है, लगता है ये कथा मेरे को फाड़ चीर करके ऑपरेशन करके इज गोइंग टू एक्सपोज माई फॉल्ट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ। जैसा लगता है ये साधु संत क्या कर रहा है, मेरे को ऑपरेशन करके मेरा अंदर में क्या गंदगी है, बोले देख यू सी क्या कचरा है तेरा दिल में, इसको लेके मेरा सामने आया है कथा सुनने के लिए, बड़ा ही हिम्मत है तेरा। ये सब दिल्ली के कथा नहीं सुना जाता, बहुत प्योर हार्ट। जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद हबो, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद हबो, मतलब क्या है, अंतर में यह है बाहर में वही है, वचन में एक है क्रियाकर्म में एक है, कभी साधु नहीं बनोगे। हमारा वृंदावन में संत महल, हमारा वृंदावन में संत महल में एक मजाक चलता था, क्या मजा, बोले महाराज अगर हमारा गर्दन देके भगवान मिलता है तो ये भी सस्ता पड़े, अगर अभी बोले आपका गर्दन दे दो ठाकुर जी मिल जाएंगे भी बड़ा सस्ता, इतना चीप मिल गया, आप तो ठाकुर जी को बड़ा चीप मान के बैठा है, कभी समझा ही नहीं, कभी चिंता ही नहीं किया। हमारा ख्याल से मठ जब से प्रतिष्ठा हुआ तब से अब सुना ही नहीं ये बात, ये कायब बात है। और प्राकृत शब्द ब्रह्म और प्राकृत शब्द मन में व्हाट इज द डिफरेंस, समझ में नहीं आया अब तक। बाजार का कथा बुला के कथा करा लिया, महीना का भगवत कथा सात छः सात दिन का, अब समझा नहीं, ही इज अ प्रॉस, ही इज अ प्रॉस हर लॉट, पैसा कमाई के लिए कथा बोल रहा है। जीव गोस्वामी पर, जीव गोस्वामी संदर्भ में आदेश किया, जीव गोस्वामी पर संदर्भ में आदेश किया, हर किसी को व्यासासन मत दो, जीव गोस्वामी पर आदेश किया संदर्भ में, हर किसी को व्यासासन मत दो, जीव गोस्वामी पर लिखा। पर क्यों, बोले महाराज कथा तो बहुत किस्म का होती है, जिसका अंदर में कोई प्राप्ति का इच्छा है, कामिनी कांचन आदि प्रतिष्ठा का प्राप्ति का विषय है, उनसे भागवत कथा करवाओगे तो तुम मरोगे, यू आर ऑल्सो गोइंग टू डाई, ये हमारा बात न पद्मपुराण का बात है। अवैष्णव मुखदगिरम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पशिष्ट जथा पयो, अरे महाराज भागवत कथा सुना है, क्या कहते हो, हमने नहीं कर रहा, पद्मपुराण में कहा तुमने सुना भागवत कथा लेकिन तुमने जहर पिया, क्यों, बोले मिल्क दूध जो है वो तो पुष्टि का आइडियल फूड है, तुम देखा नहीं किसी सांप ने दूध में मुंह दिया और तुम जाके पा लिया, तुम मर गया, और दूध का तो कोई दोष नहीं है, हरिकथा मृत्यु तो अमृत है ही है, लेकिन तुमने किसी सर्प का मुंह से सुना है, जो जहर घोला हुआ है उसका अंदर में जो कामिनी कांचन का प्रचेष्टा है इस टोटली कंटेमिनेटेड, हरि कथा आपने सुना है, जहर घोला हुआ कथा सुना है, इसे निथर यहां तक भी मंत्रों की लिया है किसी गुरु से, वो मंत्र भी तय करना है, लिखा हुआ है, अवैष्णव मुखोपदिष्ट मंत्रेण निरयम बजेत, हमारा कहना नहीं है, अवैष्णव किसी का मुख से पक्का वैष्णव नहीं है, मंत्र ले लिया तो इसके द्वारा यू विल हैव टू गो टू हेल, आपको हेल नरक में जाना पड़ेगा। अवैष्णव मुखोपदिष्ट मंत्रेण निरयम बजेत, अब उसका बाद आदेश क्या है, अवैष्णव मुखोपदिष्ट मंत्रेण निरयम बजेत पुनश्च विधिना ग्राहेत वैष्णववाद गुरु, याद रखोगे ये श्लोक, अवैष्णव मुखोपदिष्टम मंत्रेण निरयम ब्रजत, ब्रजत संस्कृत जानते हो थोड़ा बहुत, यहाँ रहते हो तो संस्कृत जानना चाहिए, साउथ इंडियन दे मस्ट नो समथिंग, एटलीस्ट शब्द रूप धातु रूप, क्योंकि कुछ कॉमन सेंस नहीं है,
कुछ भी कह दे, आज हरिकथा हो गया, नॉट दैट। अवैष्णव मुखोपदिष्टम मंत्रेण निरयम भजेत पुनश्च विधिना ग्राहेत वैष्णववाद गुरु, पुनश्च तुमको पक्का वैष्णव का चरण में आश्रय लेना है, मंत्र लेना है। और जीव गोस्वाई पाद रूप गोस्वाई पाद इतना तक कहा है ये पहले गुरु आश्रय करो मन से, उसका बाद उसका सामने जाके हाथ फैला के बोलो गुरु जी मेरे को बचाओ। पहले मन से गुरु के बैठा लो, आदो गुरु पदाश्रयो, इसका मतलब क्या है? गुरु चरण को उसका महिमा देख के हैरान होके बैठा लिया, जैसे एक बेटिया रानी ये मेरा स्वामी हो, जैसे बोला रामचंद्र सीता जी बोले ये मेरा स्वामी, कर्दम ऋषि को मनुपुत्री मनुपुत्री देवाहुति, नारद जी का मुखारविंद से उसका सुना हे ही मेरा स्वामी, और किसी के पति रूप में वरण करनी नहीं चाहिए, खुला आ गया। हम मनु जी महाराज हाथ फैले के बोला तो हमको हमारा कुछ कसूर नहीं है, मेरा बेटिया रानी आपको ही स्वामी बन के बैठी हुई है और नारद जी का मुखारविंद सुना है तो मैं क्या करूं, और कदम ऋषि का सामने भी सपनादेश आया ठाकुर जी का, हे सुबह में तुम्हारा सामने मनु जी महाराज अपना पुत्री को लेकर शत्रुपा का लेकर तुम्हारा सामने आएगा, और तुम्हारा ये ड्यूटी है वो बेटिया रानी का पानी ग्रहण करना, ठुकराना नहीं। वो ग्रहण किया, कितना सुंदर। तो जीव रूप गोस्वामी पाद का कहने का मतलब है आदो गुरु पदाश्रयो, पहले गुरु का महिमा देख के हृदय सिंहासन में बैठा लो, उसका बाद सामने जाकर साष्टांग गुरु जी हमको बचाओ, आप मेरे को बचाओ, आप बिना मेरा कोई नहीं है, आप जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने किया है। लोकनाथ गोस्वामी किसी भी हालत से दीक्षा देने वाला नहीं है, हम दीक्षा नहीं देते, बट इट इज ऑल्सो माई रिजोल्यूशन दैट आई कैन टेक सरेंडर टू योर लोटस फीट, हु कैन कम सक्सेसफुल। नरोत्तम ठाकुर जी का सेवा का जो वैभव है, सेवा का जो प्रचेष्टा है, हर हालत में सेवा का जो वृत्ति है, इसका सामने गुरु वैष्णव ने सर झुकाया, भगवान ने भी सर झुकाया। ये सदियों से परंपरा, ये ठाकुर जी का ये नियम है, सेवा का सामने, जब पक्का सेवक उसका सेवा, उसका सामने ठाकुर जी अपना सर को झुकाते हैं, अपना सर को झुकाते हैं। यहां तक कि ठाकुर जी बोलते हैं उद्धव जी को, उद्धव हम अपना भक्तों का पीछे दौड़ता हूं, अरे क्यों पीछे, सामने क्यों नहीं। नारद जी को, ये उद्धव जी को कह रहे हैं भगवान, उद्धव जी को पीछे क्यों दौड़ते हैं, सामने क्यों नहीं, आप तो ओमनी प्रेजेंट है, सामने जा सकते हो। वो नहीं, हम भक्तों का पीछे दौड़ते हैं, किसलिए जानते हो, क्योंकि मेरा भक्त जब चलते हैं ना, सब धूली उड़ते हैं मेरा मस्तक में आते हैं, ये धूली कणा को लेने के लिए मैं पीछे चलता हूं, क्योंकि मेरा शरीर में अनंत ब्रह्मांड बैठा हुआ है और संतों का चरण से पुण्य हो जाता है। इसलिए भगवान जी साक्षात बोला, अनुब्रजामि अहम पुयति अंग्री रेणु भी, भगवान कहा उद्धव जी को, उद्धव मैं क्यों पीछे चलता हूं, सुन ले, अनुब्रजामि अहम पुयति अंग्री रेणु भी, ता चरण का जो रेणु है संत महात्मा का, वो अहम पुण्य होने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कितना बार खोला, कहां सुना ये सब बात, चैतन्य चरितामृतों का क्या रहस्य खुला, कितना बार चैतन्य महाप्रभु बोला हम अपने को बिक्री कर दिया तुम्हारा सामने, कितना बार बोला मैं बिक्री हो गया तुम्हारा सामने, मैं बिक्री हो गया। और बहुत सारे प्रसंग हैं, बोलने का टाइम भी नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि अपना गर्दान देके ठाकुर जी मिले तो फिर भी सस्ता है, ये जोकिंग नहीं है पक्का। और एक बात कान खुलकर सुन लो,
गुरु वैष्णव का चरण में अपना जीवन जिंदगी प्राण को समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया, मतलब अगर भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, आपका जिंदगी भगवत प्राप्ति चाहिए, सो यू विल हैव टू सेल योर सेल्फ अन टू द लोटस फीट ऑफ ए प्योर गुरु वैष्णव। अगर भगवत प्राप्ति होनी चाहिए इस जिंदगी में, आपको भगवान चाहिए, तो हर हालत में अपने को बिक्री कर दो, बिक्री कर, सेल योर सेल्फ, अपने को बिक्री कर दो किरी पक्का गुरु वैष्णव के चरण में, देखना मेरा बात सच्चा की नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। मेरा अंदर में शरणागति नहीं है, हर वक्त डर है कौन देखेगा मेरे को बुढ़ापा में, अरे माधवेंद्रपुरी बात को कौन दिखा था, ईश्वरपुरी बात को कौन देखा था, चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाया, हम भी क्या डर, मैंने क्या बनाया कुछ मेरा फ्यूचर के लिए, कुछ नहीं, ठाकुर जी है। हर पल पल में मैं अनुभव करता हूँ, एक एक स्टॉप एक एक स्टेप हर ठाकुर जी मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं डरने का कोई बात नहीं, दुख की कोई बात नहीं। अब ये पॉइंट पे आ जाओ जे कैसे समझे महाराज ये शब्द ब्रह्मो शब्दो सामान्यो, इसका बारे में कैसे थोड़ा बहुत बताओ, और गहरा चर्चा है आज, थोड़ा प्रिलिमिनरी हम बोलना चाहता हूँ। मैंने बीच में एक शब्द बोला था, ध्यान नहीं दिया, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये मैंने बताया, ध्यान रखना ये पॉइंट को भूलना नहीं। गुरु वैष्णव का सामने आकर पहले बहस शुरू कर दो तो पूरा जिंदगी खाली हो जाएगा आपका, दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ठाकुर जी गीता में पक्का ऐलान कर दिया, घोषित कर दी, जे तेरे को दिव्य ज्ञान चाहिए तो यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीड्योर व्हाट आई मीन टू से, गीता में पक्का बता दिया भगवान, तद्विद्धि पुनिपान्ते न परिप्रश्ने न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन, पढ़ा कि नहीं, खूब पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। रियलाइजेशन यू कैन नॉट गेट, यू कैन मेमोराइज, यू कैन हियर, यू कैन रीड, बट डायरेक्ट रियलाइजेशन यू कैन गेट फ्रॉम ए डायरेक्ट साधु, रियलाइज सो If I seek the path leading to the absolute good, then I must ignore countless voices of popular wisdom and listen only to that of the realized soul. हमको किसी का बात सुनना नहीं है, हमको एडवाइस करने वाला बहुत है, मे बी देयर इज लीगल एडवाइजर, तुम्हारा लीगल एडवाइजर है, तुम्हारा एडुकेशनल एडवाइजर है, तुम्हारा घर में पप्पा मामा बैठ है एडवाइस देने के लिए, लेकिन अगर तुमको पक्का चीज चाहिए और प्रागिक जगत का, तो ये सब एडवाइस हम कोई काम का नहीं है। इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉइसेस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज, हमको हर किसी का बातें सुनना नहीं है। जीव को सही बात बोला, अगर तुम चर्चा करो महाराज, हम चर्चा नहीं करेंगे, डेली हरिकथा, हाँ दैट यू कैन डू, ये तो साधन अंग है, ये तो साधन अंग, हरिकथा हरि कीर्तन, योर हरिकथा हरि कीर्तन, इट्स वन काइंड ऑफ साधन, साधन अंग, बट दोज आर प्योर सॉल प्योर साधु, दोज आर डिलीवरिंग हरिकथा, इट इज नॉट साधन अंग, इट इज साधु, हरिकथा का साथ साथ उसका भगवत साक्षात्कार हो रहा है, पहुंचा हुआ संत महात्मा का हरिकथा कीर्तन कोई साधन अंग नहीं है, स्वयं साध्य है, हरिकथा का साथ साथ ठाकुर जी दिखाई पड़ता है। समझ में नहीं आएगा ये सब बात, बहुत दूर की बात है। इफ यू हियर ईयर्स आफ्टर ईयर्स देन समडे यू कैन रियलाइज व्हाट आई मीन टू से टुडे, सालों पे साल आपको सुनना है उसका बात समझ में क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझोगे इसे, जीव को सही बात रूप को सही बात का बात ध्यान दिया, अदो गुरुपदाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, अरे रूप गोस्वामी में उल्टा बोल रहे, पहले गुरुचरण आश्रय को उसका बाद दीक्षा, गुरुचरण में कृष्ण सेवा का, ये तो उल्टा बोल रहा, नहीं यही पक्का सो जा, तुमने उल्टा सीखा, रूप गोस्वामी बात ने ये बोला पक्का बात, सोजा सीधा बात बोला, तुम बोले हम तो सुना नहीं,
क्या बात उल्टा बात, नहीं उल्टा नहीं, तुमने उल्टा सीखा। रूप गोस्वामी ने बोला आदौ गुरु पदास, तुम गुरु जी को तुम्हारा जिंदगी में भगवत प्राप्ति हो, व्हाट यू नीड एक्चुअली, सेल्फ इंटरोगेशन इज द वाइटल पॉइंट हियर, व्हाट यू नीड एक्चुअली। भजन में आने का पहले व्हाई यू नॉट पुट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इसीलिए इतना दिक्कत हो रहा है मठ में, व्हाई इतना समस्या के क्या है। अरे भजन करने के लिए आया, भजन करो, क्यों पॉलिटिक्स होगा, तुम भजन करने के लिए नहीं आए हो। भजन करने के लिए आए होते तो समस्या का हमने प्रमाण दिखा देंगे। चैतन्य महाप्रभु के समय में थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर कमिंग है टू डेडिकेट देयर लाइफ अन टू द लोटस फीट ऑफ चैतन्य फॉर द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के लिए अपना जीवन जिंदगी को निछावर कर दिया सब, हजारों लाखों आदमी, बट यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल इंस्टेंट वेयर इन फाइटिंग टुक प्लेस। देखो इन फाइटिंग हुआ, तुमको ये पद नहीं देगा प्रेसिडेंट का, लड़ाई हुआ, देखो। शिला भक्ति वाला तीर्थ को ये बात को अक्सर बोलते थे, श्रीधर गोस्वामी हम भी बोलते हैं, एक सेंटर पॉइंट कंपास, एक कंपास लेके एक सेंटर पॉइंट लेके सेम सेंटर पॉइंट यू कैन ड्रॉ काउंटलेस सर्कल। समझा नहीं मेरा बात, ए डायमीटर को थोड़ा कम बेसी कर दो, काउंटलेस सर्कल ड्रॉ करो, एक सेंटर पॉइंट होनी चाहिए, सेम सेंटर पॉइंट, देन नो सर्कल कैन कट अदर, क्योंकि सेंटर पॉइंट इज सेम। ज्यादा सा भी 0.002 मिलीमीटर टिल्ट कर दो, हटा दो सेंटर पॉइंट को, सेंटर पॉइंट थोड़ा आगे देखोगे वो सेंटर पॉइंट जो सर्कल ड्रॉ करोगे तो दूसरा सर्कल के साथ कटिंग हो जाता है, कट सरकमफेरेंस कट हो जाता है। सेम एग्जांपल, जब आपका जिंदगी में कोई इच्छा नहीं है, आपका जिंदगी में कोई अपना कोई इच्छा नहीं है, आपका जिंदगी में कोई आशा इच्छा कुछ बचा ही नहीं, इसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। जिसका सेंटर पॉइंट ठाकुर जी का सेंटर पॉइंट के साथ टोटली सेम, ही इज कॉल्ड शुद्ध भक्त। नाटकबाजी शुद्ध भक्त नहीं है, कुछ नाटकबाजी नाटक रचाया हो गया शुद्ध भक्त, ऐसा नहीं है। बाजार में बहुत सारे ढोंगी है, इतना इजी नहीं, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जितना सारे आदमी आए अपना जीवन जिंदगी को देने के लिए, इनसाइड देम यू कैन नॉट फाइंड एनी डुप्लीसिटी, कोई डुप्लीसिटी नहीं है, दे सच्चा आया है, इसीलिए कोई फाइटिंग नहीं हुआ। किसलिए फाइटिंग नहीं हुआ? दे नेवर फील इट नेसेसरी टू मेक वन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मेरा बात समझा नहीं? चैतन्य महाप्रभु के समझ में कोई व्यक्ति समझा सोचा नहीं कि एक कमेटी बनाना पड़ेगा, उसको प्रेसिडेंट, इसको सेक्रेटरी बनाओ, इसको जनरल सेक्रेटरी बनाओ, कोई की जरूरत ही है नहीं, जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर कोई का, हर आदमी का सेंटर पॉइंट एक ही है, ठाकुर प्रभु जी को संतुष्ट करना, तो काहे का फाइटिंग। इससे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं हुआ, अब हम इतना सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब बना के सरकार के खत्ते पे रजिस्ट्रेशन कर दो सोसाइटी, स्टिल देयर इज नो पीस, ओनली इन फाइटिंग एंड पॉलिटिक्स। दिस यू कैन एक्सपेक्ट हियर, प्योर चीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। जितना चिल्लो जितना चीको चिल्लो, मेरा अगेंस्ट में स्लोगन दे दो, मेरा हरिकथा बंद कर दो, आई एम लविंग नथिंग गोइंग एंड कमिंग, हमारा कोई आता जाता नहीं, क्योंकि अपना कोई, हमारा हरिकथा मतलब ठाकुर जी का सेटिस्फेक्शन, अपना जरा सा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसलिए मैं इतना सच्चा बात बोलने के लिए तैयार हूं, चाहे जिंदगी जाए कुछ परवाह नहीं है। अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्मो, अप्राकृत जगत का शब्द, दोनों में फर्क क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक नहीं समझोगे करोड़ों साल तक भजन करोगे, बट इट इज ऑल यूजलेस।
क्योंकि बेसिक चीज बना नहीं ना, फाउंडेशन बना नहीं। कौन शब्द ब्रह्म क्या है और शब्द सामान्य क्या है, जिंदगी से जितना शब्द सुना है आज तक सारे मेटेरियल साउंड, जिंदगी में जितना सारे शब्द सुना है बाजार हाट में ऑफिस कचौरी में जहां जहां गया कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एनी काइंड ऑफ साउंड यू हियर ऑल मेटेरियल साउंड नॉट ट्रांसेंडेंटल। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी देर पहले बोला जब एक संत महात्मा बैठता है कथा बोलने की जैसे आंख चलता है, क्यों, दे हैव कनेक्शन विद द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, दे आर नॉट मेमोराइजिंग, समझ में आएगा। और जिंदगी में हृदय में एक रिएक्शन होगा, फाड़ची करके क्या मेरा जो वीकनेस है कपटता है सारे एक्सपोज हो जाएगा, तब समझोगे ये पक्का हरिकथा, मीठा बोली हरिकथा नहीं है। जितना सारे शब्द आपने सुना है सारे शब्दों मेटेरियल साउंड। एक बच्चा जब पैदा होता है ठाकुर जी का ये इतना सुंदर व्यवस्था है, एक नादान बच्चा दो तीन दिन का चार दिन का पांच दिन दस दिन का अब बेबी छोटा सा बच्चा, इसका जितना सारे सेंस ऑर्गन है किसी भी सेंस ऑर्गन प्रकाशित नहीं हो पाता है विद इन 10 डेज 15 डेज, लेकिन कान 10 इंद्रिय है, मन मन को बोला जाता है 11th इंद्रियो, ही इज द लीडर ऑफ ऑल एंड टॉप मोस्ट बॉस, एनी टाइम योर माइंड कैन किक यू एंड थ्रो यू इन डस्टबिन। मन को विश्वास नहीं करना, ध्यान देना, यहां तक कि बड़ा बड़ा संत महात्मा साधु मुनि ऋषि बोला मन को विश्वास मत करो कभी भी, ही इज अ ट्रेटर, मन माइंड इज जस्ट अ ट्रेटर, विश्वासघातक। अभी मन ठीक है बेईमानी करेगा, गद्दार है बेईमान है। मन को वशीभूत करने का कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता हमने बोला सुबह में, क्या बताया, पक्का संत महात्मा का जवान से मुखारविंद से हरिकथा सुनते रहो, यू कैन गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड ऑल सेंस ऑर्गन्स। नैतात मनो में तव कथा सुवैकुंठनाथ, नैतात मनो में तव कथा सुवैकुंठनाथ, संप्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरं हर्षशोकभयैसनार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीना, तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीना। प्रह्लाद महाराज कहते हैं देखो आपके पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, अब प्रागृत शब्द ब्रह्म का सहारा लिए बिना संभव नहीं, आप मेरा मन दुष्ट है आपका कथा में लगता नहीं, बाजार का सारे कथा में लगता है, इधर उधर दौड़ो भागो सब ठीक है, ले हरि कथा होने से जस्ट लाइक भूतों का सामने राम नाम कहो तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। डायरेक्ट उदाहरण है, दिल्ली में पहुंचा एक पिताता का सामने, वो हम जो वृंदावन में रोना हुआ व्यासासन में बैठ के बोल रहा, बुधन महाराज जानते हमारा मटका आचार्य जो सब गया मेरा साथ, वो वृंदावन सब रोना हुआ है, वो तब से जानता है महाराज आ रहा है मेरे को लात मारने के लिए, मुसलमान जीन उधर दिल्ली में जहाँ इस्कॉन का मंदिर है ना पा कैलाश स्टॉप कैलाश वहाँ में, अभी ये लड़का लड़की ठीक है, वो पहले से पता है हम वृंदावन से रोना हुआ जानता है जे आ रहा है हमको भगाने के लिए, कितना अत्याचार किया कुछ नहीं कर पाया जो भी है प्रसंग, ये क्यों बोला, हम एक एक मंत्र बोलते जाओ गुस्सा होके बोले मार डालेंगे तेरे को, हम कर तेरा कितना हिम्मत है कर ले, लेकिन पहले चिल्ला चिल्ला कर हमने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं अल्लाह ताला का कसम, उसका भाषा में बोला चिल्ला के एकदम एकदम रूम कांप उठा, अल्लाह ताला का कसम मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा मंगल करने के लिए आया है। तो ऐसा ही आज का हालत है, हरिकथा बोलो तो अगेंस्ट में चले जाए,
और हम वेश्यावृत्ति करे, चीट करे, बोला महाराज बड़ा सुंदर महाराज है, कितना मीठा बोली बोलता है, एडजस्ट करता है, एडजस्ट का मान ही जा नहीं जानता। उसको बोलो तो पोपा जो बोला है जे एडजस्ट करके चलना, एडजस्ट का माने क्या है, या एडजस्ट का माने ही जानता नहीं, पूछो किसी को, पूछो किसी को, बोला एडजस्ट पोपू जो बोल के गया, एक ही आश्रय विग्रह का अनुगत्य में अपना एडजस्ट करके रहना, एडजस्ट का माने क्या है तो समझा ही नहीं, ये उल्टा व्याख्या करता है। जो भी है, राम नाम करना भूतों का सामने, हमारा हरि कथा बोलना भूतों का सामने, एक ही बराबर है, कोई फायदा नहीं। किसका कानों में गया, कौन सोचा कि महाराज यही सुनना है, यही सुनना है, ये सुन के जीवन जिंदगी को चेंज करना है। जितना तो शब्द ब्रह्म सुना, सारे मेटेरियल साउंड। एक बात ये, ठाकुर जी का एक बड़ा कीपा, प्रहलाद महाराज का जी का बात का सामने हम समान कर देंगे, टैली कर देंगे। प्रहलाद महाराज जी बोला आपका कथा में मेरा मन नहीं लगता, मन मतलब कानों में नहीं आता, पहले तो कान में जाएगा ना, कान में अगर जाएगा तो मन माइंड अगर सपोर्ट करे तो उसको बोलता है श्रवण, मेरा बात समझा नहीं, कानों के कानों पे कोई शब्द आया एंड हमारा मन इसको सपोर्ट किया तब इसको श्रवण बोल रहा है। गुरुजी बड़बड़ाते चले और हम कीर्तन करके चल दिया, गुरुजी बोलते रहे, गुरु के तो बोलते ही रहते, हमारा दरकार नहीं, वो तो गुरुजी हो रहेगा तो बोल रहा है, कीर्तन करके चला गया वो कीर्तनिया। किसी का दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा है, महाप्रभु का कहने का अगली इन दिनों में मैं चर्चा, आप हैरान हो जाओगे, एक शब्द इसका विषय में चर्चा करें सात दिन, पागल बन जाओगे, कैसे संभव है। हाँ, और कोई टॉपिक्स का दरकार नहीं, रख लो टॉपिक्स अपना घर में, इस विषय में चर्चा होगा, सबसे डेंजरस टॉपिक्स है। तो जितना सारे सेंस ऑर्गन है अपना जो भी रेस्पेक्टिव काम कर रहा है, अगर माइंड सपोर्ट ना करे तो वो काम नहीं हुआ, पक्का नहीं हो पाता, समझा मेरा बात। माइंड अब सपोर्ट नहीं किया, कानों के द्वारा हरिकथा श्रवण करना ये भी नॉट एक्चुअल श्रवण। सबसे ठाकुर जी का आश्चर्य जो गिफ्ट है, ये एक बच्चा महाराज पांच दिन का दस दिन का, ये बच्चा का सामने है ऐसा देखेंगे, कहां से शब्द आया, बच्चा का सामने अगर ऐसा करोगे शब्द करोगे, वो कहां से शब्द आया देखेगा। और कोई सेंस ऑर्गन उस समय में परिस्फुट नहीं हो पाता, और सारा जितना सारे सेंस ऑर्गन है अभी भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर जी का एक गिफ्ट है, पहले ही कान खुल जाता। क्यों? कान सबसे बड़ा चीज है, कान जड़ जगत का जितना सारे शब्द है ये श्रवण करने की हिम्मत है। एट द सेम टाइम यू हैव योर कैपेसिटी टू पे अटेंशन टू ट्रांसेंडेंटल साउंड हरि कथा। जब भी पहले सुनेंगे तो थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन ये हरि कथा ये है कान, इसका माध्यम में आपका मंगल होने का पहला अपॉर्चुनिटी आपको मिलना चाहिए, समझा मेरा बात। कान शब्द ब्रह्मा है, इसे प्रहलाद महाराज रो रो के कह रहे हैं कि आम ये जो आपका प्राकृत कथा इसमें मन नहीं लगता, अब मन नहीं लगे तो कानों में नहीं आएगा, और आपका पास जाने का कोई रास्ता नहीं, मैं कैसे जाऊं आपका सामने। हा ठाकुर जी दुरित दुष्ट में साधु तिब्रम, इतना लात खा रहा हूं मैं काम क्रोध का, अपना नाजायज फायदा ले रहा हूं, गुरु वैष्णव का कृपा का नाजायज फायदा। आज हमारा बेस है, हमको सम्मान करते तब नहीं हमको प्रणामी दे रहा है, या कौन किसको बाजार में सब्जी बिक्री कर रहा है, ठेला चला रहा है, वो मेहनत कर उसका बाद 100 रुपया मिले, कहाँ का है तू, तेरे को प्रणामी दे, कू है कौन है तू, कुछ दिखा भजन करके दिखा, शर्मिंदा होना चाहिए, हाथ जल जाएगा, भजन के बिना
कोई अगर दान ग्रहण करे, शास्त्र में लिखा है, तो दो हाथ जल जाएगा। दान लेते लेते हाथ जल गया। दान वो ले सकता है जो पक्का ब्राह्मण है, वैष्णव है, पक्का दिल में कोई इच्छा ही नहीं है। जो कि देने जाता है, मर रख लो, आपको दरकार नहीं, आपका पक मैं नहीं महाराज रख लो, ठीक है दो, लेके ठाकुर जी का सेवा में दे दो। जो लोग इस चक्कर में है, माधव गोस्वामी महाराज लिख के गया है, मैं भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जीवनी जो उन्होंने करवाया मेरे से किसी एक वास्तव तीर्थ के संधान में, इसका पास दिया हुआ है, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये भी माना है। हाँ, जो भी है पढ़ के देखना, माधव गोस्वामी ने लेटर दिया हुआ है। मठ का ब्रह्मचारी सन्यासी कभी भी डिपॉजिट करने का चेष्टा नहीं करना, अपना जीवन जिंदगी को देना, खुद मिलेगा सब। ठाकुर जी आपका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। आप अगर खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी खोद लेना चाहते हो, देन गुरु वैष्णव इज लेस इंटरेस्टेड अबाउट यू। सिलो माधव परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज, हर दिन हम ये दो महापुरुष का जयकारा देते, हर कथा का पहले हर वक्त। पर मैं माधव गोस्वामी बोला, देख भजन नहीं किया फिर भी ठाकुर जी इतना कुछ दे दिया, देख बेईमान, भजन नहीं किया फिर भी ठाकुर जी इतना कुछ दे दिया। अब भजन करे तो क्या दे सकता है, लिखा हुआ है, खुल के देखो हमने दिया है। अरे भजन करे तो क्या दे, क्या नहीं दे सकता है ठाकुर जी, मूर्ख कहीं का। अरे ठाकुर जी अपने आप को देने के लिए तैयार है, क्या संपत्ति दुनिया का। ठाकुर जी बोलते हैं हम अपने को दे देंगे, लेकिन हम क्या, हमको जरूरी है, अगर हमको चाहिए हम ठाकुर जी चाहिए तो ठाकुर जी खुद दे देंगे, दे दे ना। ठाकुर जी कितना बार प्रतिज्ञा करके बताएं, हैं, कितना बार प्रतिज्ञा करके ये सब चीज बताएं, जे हम अपने को दे देंगे, हमको ले ले। लेकिन किसी का कानों में नहीं जा रहा है, क्यों, काल हम चर्चा करेंगे क्यों नहीं जा रहा है। और शब्द ब्रह्मो सब साइंटिफिक व्याख्या करेंगे, विज्ञान का सहारा लेके हम चार काल चर्चा करेंगे। अब टाइम थोड़ा कम है, महाराज जी आए तो थोड़ा आशीर्वाद वाणी कर से कह सकते हैं, इसलिए महाराज जी का सम्मान पे हम 15 मिनट छोड़ दिया। आपका पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इन फ्रंट ऑफ मी। वांछ कल्पतरुभुष के बासिंद पावन।